नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं, क्या है सोशल मीडिया पर हिट? सोशल मीडिया पे अभी जो खबर चल रही है वो बेसिकली बिहार चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे आरोप लगाया है कि उन्होंने रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं किया है, उनके सरकार में घोटाले, भर्तियों में इतने घोटाले हुए हैं कि युवाओं को जो जरूरतमंद और जो युवा नौकरी के लायक थे उनको नौकरियां नहीं मिली और ऐसे लेकर घोटाले करके भर्तियां हुई है। इसके अलावा राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से बिहार में बलात्कार और महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला बढ़ रहा है, नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि बिहार में महिला पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। ये दो चर्चाएं सोशल मीडिया पर। तीसरी महत्वपूर्ण चर्चा बिहार को लेकर के ये है कि जीतन राम मांझी फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। कल उन्होंने घोषणा की कि वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। उसमें उन्होंने एनडीए में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने लालू यादव पर आरोप लगाया कि उनके चक्कर में फंसकर मैंने एनडीए का साथ छोड़ा था, उन्होंने मुझे बरगलाया था आरक्षण और सामाजिक न्याय के नाम पर, जबकि उनके 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 महागठबंधन में सिवाय भाई भतीजावाद का के अलावा कुछ भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी जो है वो गरीबों का और दलितों का भला नहीं चाहते, जबकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दलितों के लिए और गरीबों के लिए बहुत काम किया है। और तीसरी खबर यह है कि लोजपा की कल संसदीय दल की बैठक है और उसमें शायद निर्णय ये होने वाला है, जैसी कि खबर चल रही है कि लोजपा जदयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। ये महत्वपूर्ण खबर है। जिस तरह से मांझी जदयू और एनडीए का हिस्सा बने हैं और जिस तरह से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, ऐसे में लोजपा द्वारा ये निर्णय लेना बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ा कदम होगा और देखिए इसका क्या परिणाम तो चुनाव पर ही निर्भर करता है। जी जी, बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ जेडीयू बीजेपी गठबंधन को लोग ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरा जो उनके गठबंधन का जो एक प्रमुख घटक दल है एलजेपी, वो इस बात की भी दावेदारी कर रहा है कि हो सकता है कि वो जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करे। रवि जी, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? अतुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार आरजेडी के लोग जो वहाँ भगदड़ मची हुई है वे नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं और जीतन राम मांझी ने औपचारिक तौर पर जेडीयू के साथ आने का ऐलान कर दिया है। आप गौर करिएगा, उन्होंने एनडीए के साथ आने का ऐलान नहीं किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे बात की गई, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि हम आरजेडी को छोड़ के, आरजेडी ने हमें भरमा लिया था, हम आरजेडी को छोड़ के नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के साथ आए हैं। ठीक है, उन्होंने मोदी की तारीफ की है, तारीफ करनी ही पड़ेगी क्योंकि मोदी बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 के एक विनिंग, बहुत मजबूत विनिंग फैक्टर हैं। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि बहुत दिन आरोप झेलने के बाद नीतीश कुमार यानी जेडीयू ने भी अपना प्रदर्शन हाल के दिनों में बेहतर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसका फायदा जनता दल यूनाइटेड को चुनाव में होगा। लोक जनशक्ति पार्टी अगर ये कह रही है कि हम जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी के लिए बार्गेनिंग करने की जो एक उनकी मंशा है वो ज्यादा झलकती है और ऐसा शायद होगा नहीं। बहुत सारे समीकरण
अभी तो चुनाव का ऐलान होना है, सारे समीकरण एलजेपी के साथ भी निपटा लिए जाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं लग रहा है। अगर आप देखें तो जी एक बात और भी है कि एलजेपी ने तो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करने की ऐसी मंशा जाहिर की है, वहीं जीतन राम मांझी को लेकर भी बीजेपी में कोई अच्छे स्वर नहीं निकल रहे हैं। गया के पूर्व सांसद है हरि मांझी, उन्होंने कहा है कि ये जो जीतन राम मांझी को ज्वाइन कराया जा रहा है, मांझी को ज्वाइन कराया जा रहा है, इससे उनका और उनके परिवार को तो फायदा होगा लेकिन गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो जीतन राम मांझी का भी कोई स्वागत नहीं हो रहा है और हरि मांझी स्वयं भी अति पिछड़े नेता है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जीतन राम मांझी को पिछली बार गठबंधन ने 35 विधानसभा सीटें दी थी लेकिन सारे लोग हार गए थे, अकेले जीतन राम ही जीत के आए थे और वो भी दो सीटों से। ये उल्लेखनीय है कि दो सीटों से चुनाव लड़े थे और एक ही सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। असल में ये बिहार में अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो दलित और महादलित जो वोटर है करीब करीब 15-16-17% के आसपास, 16% तो है ही, अगर थोड़ा उसमें इजाफा हुआ होगा तो 16% प्लस अगर मान लें तो इस बात का झगड़ा है। असल में रामविलास पासवान यानी एलजेपी, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और ये भी माना जाता है कि जो दलित और महादलित वोट है बिहार का वो एलजेपी के साथ भी है। तो जीतन राम मांझी को इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस एनडीए में दी जा रही है। तो जाहिर है कि जो पहले से ही बीजेपी में हैं, जो मांझी या दलित वोटों को प्रभावित करने का जिन जो अपने ऊपर अपने सर पर ताज पहन सकते हैं ऐसे लोग हैं, तो उनको जाहिर है कि ये जीतन राम मांझी को तवज्जो देकर गठबंधन में लाना बहुत रास नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनका अपने आप में बहुत महत्व भले ना हो, लेकिन वे जो बड़ी चीजें हैं अगर गठबंधन की बात करते हैं तो बड़ी चीजों को टिकने में जो गैप है उनको भरने में मददगार साबित होते हैं। तो इस नाते गठबंधन में जीतन राम मांझी का आना एनडीए गठबंधन के लिए फायदे की ही चीज होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। हाँ ये जरूर देखने की बात है कि इस बार जीतन राम मांझी को सीटें कितनी दी जाती हैं। वे 15 सीटें मांग रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 15 सीटें उन्हें इस बार दी जाएंगी, लेकिन 9-10 सीटें तो उन्हें इस बार भी दी ही जाएंगी। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, वहीं ये सरगर्मियां चली रही हैं। दूसरी ओर राजद का टिकट चाहने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि उन्हें अब रांची के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से रांची में लालू के आसपास मिलने वाले टिकटार्थियों की भीड़ थी उसको देखते हुए झारखंड सरकार ने ये फैसला किया था कि अब अगर उनसे मिलने कोई भी आएगा तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके चलते राजद की एक नेता और विधायक है समता देवी जी, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है वहां इसकी शुरुआत करते हुए। तो अब सभी लोगों ने ये तय किया है कि भाई जो भी टिकट मांगी जाएगी वो पटना में ही मांगी जाएगी, इसलिए उनकी रांची की दौड़ बच गई है फिलहाल के लिए। वहीं दूसरी ओर अनीता जी, राबड़ी देवी जी ने एक ट्वीट करके कहा है कि नीतीश सरकार में बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, इस तरह की वारदातें बढ़ी हैं, यहाँ टूरिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। देखना दिलचस्प होगा, जब राजद का शासन था तो किस प्रकार से महिलाओं और परिवार की सुरक्षा होती थी, और अब राबड़ी देवी इस तरीके का ट्वीट करती है तो क्या माना जाए? चलिए उनको महिलाओं की सुध तो आई, आरजेडी को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता तो जागी ट्विटर पे ही सही, लेकिन महिलाएं सुरक्षित हैं या उनका बलात्कार हो रहा है, कुछ ऐसा डाटा भी उनको जरूर देना चाहिए था कि कहां कहां पे पिछले 5 सालों में कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ है और किस किस तरह से महिलाएं जो हैं प्रताड़ित की गई हैं, ऐसे कितने मामले सामने आए हैं और किस आधार पे वो बोल रही हैं। रही बात टूरिस्ट की बात, तो बिहार में चाहे लालू की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, या उससे पहले भी कोई सरकार हो,
कभी बिहार जो कि टूरिज्म का गढ़ बन सकता है, बुद्ध की धरती बिहार, अशोक की धरती बिहार, जहाँ पे गंगा की अविरल धारा जो है वो सबसे चौड़े मुहाने पे बहती हो, वहां पे कभी भी पर्यटन को लेकर के कोई सजगता नहीं आई। नालंदा बिहार, जैन के तीर्थस्थली बिहार, तो लेकिन चाहे वो पावापुरी हो, चाहे नालंदा हो, चाहे राजगृह हो, चाहे बोध गया हो, या फिर गंगा का मुहाना हो, कभी भी किसी भी सरकार के अंदर ये सजगता नहीं आई कि बिहार को भी खूबसूरत बनाकर इन स्थलों का जो उसकी महत्वताएं हैं उसको उसको दुनिया के सामने, देश के सामने एक खूबसूरत तरीके से परोसा जाए और पर्यटन का एक गढ़ बनाया जाए। कर्ण जब सूर्य पुत्र कर्ण जिनको बोलते हैं, सूर्य पुत्र कर्ण का जो रोज सूर्य की पूजा करते थे, वो स्थली बिहार में है, जहाँ पे सूर्य का सबसे अगर कोई सूर्य का संकट से गुजरता है तो अगर ज्योतिष विज्ञान को लें तो अगर किसी को उससे मुक्ति पानी होती है तो बिहार में जाता है, उस स्थली पे जाके सूर्य की पूजा करता है, लोग बोलते हैं कि उससे उसको मुक्ति मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कभी किसी सरकार के, रबड़ी देवी के इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये भय फैलाना और पर्यटन को ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया तो वो आरजेडी ने किया। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि रबड़ी देवी को, मतलब कि राजद की जो दूसरी बहुत ही लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही बिहार की, उनको कम से कम महिलाओं की सुध आई। ये सुध अगर अपने कार्यकाल में देख ली होती तो बिहार की छवि आज इतनी खराब नहीं होती, बिहार की बेटियां वहां से भागकर दूसरे राज्यों में नहीं जाती। जी, तो जी, ये सच में उनके इस चेतना के लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है अनीता कि उनको इस मुद्दे का भी सामना करना पड़ेगा कि उनकी जो बड़ी बहू है ऐश्वर्या, वो परिवार में सम्मानजनक तरीके से नहीं रह पाई। तो अब तो चूंकि चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं और तो ये हो सकता है कि चुनाव प्रचार में ऐश्वर्या सामने आए और राबड़ी देवी पर उल्टे आरोप लगाएं कि उनके खुद उनके घर में एक महिला का सम्मान, उचित सम्मान नहीं हुआ, तो वे बाकी बिहार की महिलाओं के सम्मान के बारे में खुलेआम मारपीट के वीडियो, रवि सर ऐश्वर्या के साथ तो खुलेआम मारपीट के वीडियो सामने आए थे, जिसमें बड़े अजीब तरीके से ऐश्वर्या रो रही थी और बता रही थी किस तरह से उनको रबड़ी देवी ने मारा है। तो किस महिला सुरक्षा की वो बात कर रही है? पहले अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित करने की जरूरत है आरजेडी को, उसके बाद वो सोचे कि राज्य की महिलाओं को। लेकिन जिसने राज्य की महिलाओं को ही एक प्रॉपर्टी समझकर, एक इस्तेमाल की चीज समझकर और एक क्राइम का गढ़ बनाते हुए जिसने महिला सुरक्षा को और बेटियों को इतना असुरक्षित कर दिया था कि वो घर से निकलने के लायक नहीं रही थी, घर में छिप के रहती थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, लोग अपनी बेटियों को छुपा के रखते थे कि वो किसी कोई बुरी नजर ना उन पे पड़ जाए, लड़कियां सड़क पे निकलती नहीं थी, तो वो और आज उसी उनकी उस मानसिकता का जीता जागता स्वरूप जो है वो ऐश्वर्या है, जो कि उनकी बहू है और जिस तरह से उनको घर छोड़ना पड़ा, ये पूरी देश ने देखा, हर किसी के सामने वो सच मौजूद है। तो वो किस महिला सुरक्षा की बात कर रही है? पहले राबड़ी देवी को अपने घर संभालना चाहिए, अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहिए। जी लगता है, और यही शायद वजह है कि उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार को चुनाव में इस मुद्दे का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए वो पहले से मुखर होकर इस तरीके की बातें करना उन्होंने शुरू किया है कि जिससे ये लगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच का भी मामला उतना सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि दोनों भाई राजद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अंदरूनी अगर स्थिति देखी जाए तो उनकी स्थिति वैसी दिखाई नहीं देती। रवि जी आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं दोनों की अपनी अपनी है, और क्योंकि दोनों लालू यादव के और राबड़ी देवी जी के सुपुत्र हैं, तो जाहिर है कि बड़े बेटे को, जो कि एक सनातनी परंपरा के परिवारों में आमतौर पर होता है, बड़ा बेटा अपने आप को ज्यादा डिमांडिंग पोजीशन में पाता है, उस लिहाज से तेज प्रताप चूंकि बड़े भाई हैं, लेकिन उनको राजनीति में माता पिता दोनों ने ही अपनी विरासत का उत्तराधिकारी
घोषित नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक सी बगावत तेज प्रताप के मन में है, जो गाहे बगाहे हम लोगों को ऐश्वर्या राय प्रकरण अलग अगर रख के देखा जाए तो जाहिर है कि तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू यादव की प्रतिकृति करने की ज्यादा स्वाभाविक कोशिशें की हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी जो वक्तृता है, उनका जो स्वांगपन है, वो लोगों को रास आया नहीं है। और यही वजह है कि लालू यादव ने जब सरकार काफी अरसे बाद जेडीयू के साथ बनाई तो अपने छोटे बेटे को तेज प्रताप को उप मुख्यमंत्री बनाया, जबकि तेज प्रताप यादव को जो बड़े बेटे हैं उनके उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। तो जाहिर है कि एक स्वाभाविक राइवलरी एक भाइयों में वैसे भी अक्सर होती है, लेकिन यहाँ तो एक पारिवारिक दायित्व की जो पूर्ति जिस तरह से परिवार ने की उसमें लगता रहा है। और मैं तो दोबारा ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि इस चुनाव में बड़ी बात होगी कि अगर तेज प्रताप यादव को विधानसभा चुनाव उनकी मनपसंद सीट से लड़ाने के लिए उन्हें टिकट भी अगर मिलती है, तो कहा तो ये जा रहा था कि वो उनको जो है ये द्वंद्व जो दो भाइयों का खत्म हो इसलिए उनको विधान परिषद की सीट से विधान परिषद भेज दिया जाए। जी जी बिल्कुल। एक दूसरी बात और चल रही है, अभी हम लोगों ने जेईई नीट टेस्ट की बात की, जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने मांग की है जो बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम जो इस माह में होने हैं उससे जो जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों ने मांग की है कि ये टेस्ट ऑनलाइन कराया जाए, जिस प्रकार से उनका पिछला एग्जाम जो इंटरनल एग्जाम्स हुए थे वो उन्होंने बताया कि वो ऑनलाइन कराए गए थे, लेकिन अब जब मेंस की बात आ रही है, जब एग्जाम्स की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सटर्नल एग्जाम्स है उसको वो ऑफलाइन कराने की बात सरकार कर रही है। उनका कहना है, उनकी मांग ये है कि अगर जहां उनका सेंटर पड़ा है एक तो लोग वहां पे इस कोरोना के चलते वहां कमरा देने में झिझक रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर वहां जाएंगे तो उनको क्या हासिल होगा, ना उनको खाने के लिए मिलेगा ना उनको रहने के लिए कमरा मिलेगा, तो किस प्रकार से वो एग्जाम्स दे पाएंगे, ये एक समस्या खड़ी हो रही है। अनिता आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है कि फाइनल एग्जाम कोई भी प्रमोटेड नहीं रहेगा, उसको नियम के तहत एग्जाम देना ही होगा। तो स्टूडेंट को ये मन बना लेना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम देना है। वो स्टूडेंट जो इस तरह के बहाने बना रहे हैं, जिनकी चाहत होती है कि मुझे उत्तीर्ण होना है और मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो वो हर हाल में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना का ये समय है और महामारी के समय में इन्फेक्शन के डर जो है वो ज्यादा बैठे हुए हैं, लोग भी शायद उतना कोऑपरेट करने को राजी नहीं होंगे। ऐसे में अगर ये समस्या है कि लोगों को कमरे नहीं मिल रहे हैं और लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको देखते हुए राज्य सरकार को ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि क्योंकि अभी तो पर्यटन बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई भी होटल्स जो हैं उनके कमरे जो हैं उनकी बुकिंग नहीं हो रही होगी, आवाजाही बंद है, ऐसे में होटेलियर्स के साथ वो सामंजस्य बैठा के या गेस्ट हाउस में उन स्टूडेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं और एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा सुनिश्चित कर दे और उसके बाद ये इस एग्जाम को जाने दे। लेकिन एग्जामिनेशन को रोकना, साल बर्बाद करना और जिंदगी को रोक देना ये कोई समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष इस पे सुना दिया है और स्टूडेंट्स को ये भी ये मान लेना चाहिए कौन स्टूडेंट हैं, जो कि मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये डर सता रहा होगा कि नहीं है, उनकी तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, नहीं वरना जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो तैयारी पूरी तरह से किए हुए हैं और उनको वो हर तरह के एग्जाम के लिए राजी है। लेकिन स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि हमें जैसे इंटरनल हमारे ऑनलाइन किए गए ये ऑनलाइन हमारा ये एग्जाम ले लिया जाए, ऐसा उनकी मांग है। इंटरनल जो इंटरनल एग्जाम है वो ऑनलाइन हो सकता है, फाइनल एग्जाम जिसमें आपको प्रमोट करके आपको आगे बढ़ना है फिर आपको जॉब के लिए जाना है उसको कैसे ऑनलाइन कोई कर सकता है? उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ऑथेंटिसिटी क्या रह जाएगी? किस ग्राउंड पे किसी को मार्क्स दिया जाएगा? कौन टॉप करेगा? कौन ऑनलाइन एग्जाम में
घर में बैठ के स्टूडेंट्स किस तरह से वो सर्टिफाई करेंगे कि नहीं ये फेयर एंड ऑनेस्ट एग्जाम हुआ है, इसको 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 इस पे मॉनिटरिंग करनी बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में जो लायक स्टूडेंट है, जिसकी जो मेहनत कर स्टूडेंट है, उसको सफर करना पड़ सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी फाइनल एग्जाम, चाहे वो जेई का हो, चाहे नेट का हो, चाहे कैट का हो, या फिर यूनिवर्सिटीज के भी फाइनल एग्जाम में प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। यूजीसी के तहत उनको, ये और बात है कि स्टूडेंट के साथ बैठ के सामंजस्य बैठाते हुए उनके अकॉर्डिंगली समय तय हो सकता है या सुविधा तय हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम प्रमोट करके उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको पास आउट कर दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको आपको उस इम्तहान के मैदान में जाके अपने आप को अपने कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और ये एक बेहतर सुझाव हो सकता है कि सरकार इस दिक्कतों को जो कोरोना काल में आ रही है विद्यार्थियों के साथ, उसको ध्यान में करे, उसको अपने संज्ञान में ले। और जाहिर है कि जब एक बार होटल इंडस्ट्री पूरी बंद है या जो गेस्ट हाउसेज हैं, तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें जहां विद्यार्थी ठहर कर अपना एग्जाम दे सके, एक सुकून के साथ एग्जाम भी दे सके, क्योंकि ये दोनों की ही जिम्मेदारी है। सरकार की भी मजबूरी है उसे एग्जाम्स कराने हैं, लेकिन बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि परीक्षा पास करके ही उसका जो एक कहते हैं कि उसका पूर्ण मूल्यांकन हो सकता है, जिसमें आज शायद उसे नहीं समझ में आ रहा हो कि ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम में क्या अंतर है, आगे चलकर समझ में आएगा जब उस एग्जाम, जो आज वो एग्जाम देगा ऑफलाइन, तो उसकी क्या वैल्यू है, उसको वो समझ में आएगा। एक चीज और भी अतुल जी, इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं, जिनका उत्तर ए बी सी डी में दिया जाता है, एक जगह टिक करना हो, शायद ये एक मनोवैज्ञानिक बात है कि वो ऑनलाइन का मतलब वस्तुनिष्ठ उत्तर से है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन परीक्षा, अगर लिखित परीक्षा किसी चीज की होनी है, तो टाइपिंग आना और इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक होना भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मुझे ये भी इन विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या सबको जो इस तरह से मांग अब एन मौके पे उठ रही है, क्या सबको टाइपिंग आती है, टाइपिंग की स्पीड सबकी क्या एक मिनिमम स्पीड है जिसमें वो 3 महीने में अपना पूरा, 3 घंटे में पूरा पूरा पेपर दे पाए। तो बिहार में जो चल रही चुनावी और राजनीतिक सरगर्मियों हो, उसके बीच में बिहार अपडेट में फिलहाल आज इतना ही। आप भी हमारे साथ अपनी खबरों को लेकर जुड़ सकते हैं, आप हमें मेल करें अपनी बातें, अपनी समस्याएं, अपनी कोई बात, अपनी कोई राय जो आप कहना चाहते हैं, biharupdate@gmail.com पर, और आप हमें अपने मोबाइल ऐप से भी के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से बिहार अपडेट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रवि जी, आज की चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अनिता जी, आपका भी धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े, सभी का धन्यवाद।